और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में शनिवार को हार्डकोर अपराधी विक्रम बबेड़ी और बिक्की खटोटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को काफी लंबे समय से अपहरण, लूट और हत्या के मामले में दोनों की तलाश थी। आरोपी के पास से एक विदेशी पिस्टल, दो कारतूस, दो देसी कट्टा और एक होंडा सिविक कार मिली है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक बिक्की खटोटी होंडा सिविक कार से किशनगढ़ बास से कोट कासिम जा रहा था, जिसे पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई। आरोपी ने नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला, जिसका पीछा कर कोट कासिम कस्बे में पकड़ लिया गया। विक्की की सूचना पर दूसरे इनामी बदमाश विक्रम बबेड़ी को ततारपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दोनों पर करीब 18 मामले दर्ज थे। विक्की और विक्रम पर भिवाड़ी, अलवर, जयपुर और सीमावर्ती जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती के 18 मामले दर्ज थे। दोनों व्हाट्सएप खोलकर फिरौती की रकम मांगते थे, जिसके बाद पहचान छुपाने के लिए दिल्ली और हरियाणा में फरार हो जाते थे। इससे पहले 25 बदमाशों को पकड़ा। आपको बता दें, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने भिवाड़ी जिले में कई इलाकों में छापामारी की। इसमें भिवाड़ी, अलवर और जयपुर से 25 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और भी राज सामने आने की उम्मीद है। उनमें पूछताछ में कुछ और बातें निकल के आई है किस तरह की? उसमें कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं उससे। अभी तो फिलहाल उसको मर्डर का जो मुकदमा है जसरा मर्डर वाले में, उसमें लिया हुआ है। बाकी उसके जो मुकदमे में लिए जाएंगे तो उसका अनुसंधान भी उस समय चलेगा। तो ये विस्तृत अनुसंधानिक कड़ियाँ हैं, क्योंकि इसके करीब 7 मुकदमे अभी हैं और संभवतः और भी मुकदमे अभी चेक करके उनमें सब में लिया जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें कड़ी से कड़ी पड़ेगा। वसूली की बात उभर के आई थी, किन किन लोगों से वसूली और कुछ ली थी? वो उस पर तस्दीक कर रहे हैं मौके पर ले जाके, और बाकी तथ्यों से और इसके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से उसको जोड़ा जाएगा। और उसमें क्योंकि मुकदमे कुछ वसूली वाले ऑलरेडी दर्ज हैं, तो जब उन मुकदमों में लिया जाएगा तो उसकी और विस्तृत पूछताछ नोट सामने आएगी, तो उसको आपके साथ शेयर करें। सर गिरफ्तार, एक मिनट, विक्रम लादेन का हाथ बताया जा रहा है? हाँ, वो बात सही है, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है अभी तक उनको। हालांकि हमने, क्योंकि हमारी सूचना के चलते हमें सूचना पहले ही मिल गई थी, हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे थी और इसलिए हमने कोई भी वारदात को बचाने का पहले ही प्रयास किया हुआ था। अब वो उनको वो अगर मुकदमा देते हैं इसमें, तो हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो उसके पहले के मुकदमे हैं उसी में उसको लिंक करके और उसकी कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। नहीं, इसमें जो व्यापारी की वो फ़ोन ट्रेस हो गया, किसका था ये अभी हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं बता सकते। अनुसंधानिक तथ्य, कुछ चीज़ें हम शेयर नहीं करना चाहते ओपनली, पर हम इसको पुख्ता तह तक पहुँचना, पुख्ता अनुसंधान और प्रोसिक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। सर लादेन को जो फंडिंग करता था हरियाणा का विक्की डोर, उसका अभी तक कुछ पता लग पाया है जिस तरह? उसके पीछे हमारी टीम लग रही है और उम्मीद है जल्दी प्रयास सफल।